वर्ष में एक बार खुलते हैं पर हजारों लोग आते हैं दर्शन करने। जावर तहसील के ग्राम करमनखेड़ी स्थित माँ आशापुरी बड़ारी के मंदिर के पट वर्ष में केवल एक ही दिन खुलते हैं। यह मंदिर सैदव समाज के कुल देवी का मंदिर है। यहाँ नवरात्रि के अंतिम दिन नवमी को आसपास के जिलों सहित हजारों लोग आकर माँ से मन्नत मांगते हैं। वही मंदिर आने वाले दर्शनार्थियों के लिए प्रतिवर्ष हाजीपुर कुरावर के लोग चाय फल वितरण करते हैं। सीहोर जावर से यूडी न्यूज के लिए राइजिंग मालवी की रिपोर्ट। किया जा रहा है ये माता जी दरबार में एक दिन खुलता है। उस उपलक्ष्य में हमारे ग्राम के सभी नवयुवक मंडल की ओर से यहाँ पर हर साल प्रसाद वितरित होती है और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम लगभग 10-12 साल से चल रहा है। सभी नवयुवक मंडल ये कार्यक्रम करते हैं। माता जी का पट साल में एक बार ही खुलता है और ये भरत गोत्र की माता जी है, लेकिन जिस गोत्र के लोग आते हैं बाहर से दर्शन करते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। माता जी से यही प्रार्थना कि सभी को सुखी संपन्न रखें, स्वस्थ रखें, यही हमारी माता जी से कामना है। जय माता जी। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारी कुल देवी माता आशापुरी ग्राम करमनखेड़ी में अष्टमी के दिन पट खुलते हैं और नवमी के दिन पूरे आष्टा तहसील का पूरे दोनों तीनों जिलों के संपूर्ण देवास सीहोर के यहाँ पे जो भी मन्नत मांगने के लिए श्रद्धालु आते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है। और ये जो आज हम यहाँ पर कुरावर जोन पर खड़े हैं ये हमारे नवयुग मंडल श्री राम मंदिर कुरावर की पूरी नवयुग मंडल की टीम जो प्रसाद वितरण करती है और यह परंपरा हमारी करीब करीब 8-10 वर्ष से चल रही है। और हम विश्वास करते हैं कि हमारे नवयुग माँ आशापुरी मर्यादा झोरम गोत्र की है जो नवरोगा में अष्टमी के शाम को पट खुलते हैं, नवमी के दिन भर दर्शन होते हैं। इसमें सातों समाज और पूरे गांव के आसपास के जितने भी लोग मन्नतें मांगते हैं सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। हमारी कुलदेवी माता आशापुरी के यहाँ करीब मेरी उम्र है 50 साल के आसपास जब से मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर इतने श्रद्धालु आते हैं जिनकी सब मनोकामनाएं संपूर्ण होती है और पुरातत्व भी उनको मानता है। दूसरा यहाँ पर आने जाने वाले सभी का हमारे गांव हाजीपुर में पूरे गांववासियों गांव के तरफ से सभी की तरफ से चाय एवं स्वागत सत्कार का कार्यक्रम हर साल यहाँ पर हम रखते हैं और सभी समाज के लोग प्रथम स्थान पर माता को नवरात्रि के दिन मानते हैं। जितनी भी मुरादें अभी तक हुई है उसका इतिहास गवाह है। अभी इंदौर बाजार के अंदर हमारा वाणिज्य ग्राम दो खेड़ी का जिसका जितेंद्र सिंह ठाकुर जिसने करीब 15 लाख रुपए दान स्वरूप यहाँ पर दिया है जिसका हमने अभी सम्मान समारोह किया 2 घंटे पूर्व। और ऐसी आस्थाओं का प्रतीक जिसका 56 मार्केट में इंदौर के अंदर दुकान 7 मेडिकल रिलेशनशिप से और बढ़िया ब्रांडेड कंपनियों इंटरनेशनल कंपनियों का काम है उसकी मुरादें थी जो पूरी हुई। ये क्या प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोग में स्वर्गीय दादा जी के साथ में करमनखेड़ी माता जी के दरबार में हमेशा आता रहता था और इस बार वो सबके बीच में नहीं है पर जो एक परंपरा बनी हुई है ये हमेशा माता जी के चरणों में माथा टेकने की, तो मैं अपनी ओर से उनकी ओर से भी वहाँ पर माता जी के चरणों में माथा टेकने के लिए जा रहा हूँ प्रोग्राम कर करमनखेड़ी माता जी के यहाँ पर। और माता जी से यही कामना करूँगा कि संपूर्ण आस्था विधानसभा के हर एक जनजन हमेशा खुश रहे, खुशहाल रहे, समृद्ध रहे, ऐसी कामना करूँगा माँ माता से। माँ आशापुरी हमारे ग्राम करमनखेड़ी में विराजमान है। जो माँ आशापुरी की मनोकामना करके जाते हैं उनकी सभी कोई भी समाज हो कोई वर्ग के लोग हो उनकी माँ आशापुरी उनकी मन्नतें पूरी करती है। कब से कब आज से नहीं बहुत साल पहले से माता जी का जो स्थान है बहुत वो है, इसलिए हम सभी से कामना